आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बनने वाले प्रसादम यानी कि लड्डुओं में मिलावटी घी और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद ही राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। हाल ही में तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद पर साउथ सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इससे काफी दुखी है और अब समय आ गया है कि राष्ट्र स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए। पवन कल्याण का ये पोस्ट देखकर फिल्मों में विलन का किरदार निभाने वाले प्रकाश राज भी भड़क उठे और उन्होंने सनातन धर्म का मजाक उड़ा दिया था। पवन कल्याण के इस बयान को लेकर कहा था कि आप इस मुद्दे को राष्ट्र स्तर पर क्यों उछाल रहे हैं। अब प्रकाश राज के इस बयान पर पवन कल्याण का गुस्सा फूटा है। पवन कल्याण ने प्रकाश राज को जमाने के सामने सुनाया है। बता दें कि हाल ही में पवन कल्याण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि वो पश्चाताप पर जा रहे हैं, जिसके लिए 11 दिनों का उपवास रखेंगे। अब पवन कल्याण ने कनक दुर्गा मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रकाश को करारा जवाब दिया है। साथ ही एक्टर से सवाल करते हुए कहा है कि Not one way. I have extreme respect for you. You know that. Your secularism is always two way. It is not one way. Prakash Raj Garu, you have to learn your lessons. I respect you. It's not just Prakash Raj Garu. All the people who thinks in the name of secularism, you're going haywire. Let me tell you guys, we are extremely hurt. Don't make a mockery out of our sentiments. We are deeply, deeply hurt. It's not fun for you. Maybe it might be fun for you. It is not fun for us. It's a deep anguish, deep pain. Don't you ever forget. Before you come and think 100 times and say, talk about Sanatana Dharma. Enough of this. Laddu is a sensitive issue, Ne. Don't you ever say that. Don't. Don't ever try dare to say that, please. I respect you as actors, but when it comes to Sanatana Dharma, please, you have to think 100 times before you saying a word. One comment. अब पवन कल्याण के इस जवाब पर प्रकाश ने भी पलटवार किया। प्रकाश ने एक वीडियो शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा कि वो वापस आने के बाद अपना जवाब देंगे। प्रकाश राज ने पवन कल्याण की बात पर रिएक्ट करते हुए लिखा, पवन कल्याण गारू, मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मैंने जो कहा है और आपने गलत अर्थ निकाला है, उसे देख मैं हैरान हूँ। मैं विदेश में शूटिंग कर रहा हूँ, आपके सवालों का उत्तर देने के लिए वापस आऊँगा। अगर आप मेरे पहले किए गए ट्वीट को देख सके और समझ सके तो आपका बहुत आभारी रहूँगा। बता दें कि हाल ही में तिरुपति मंदिर में बनने वाले प्रसादम में हुई मिलावट के मुद्दे को लेकर एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तिरुपति बालाजी प्रसाद में पशु वसा, मछली का तेल, सुअर की चर्बी और गोमांस की चर्बी मिलाए जाने की बात से हम सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन YCP सरकार द्वारा गठित TTD बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़ी सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्र स्तर पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, नागरिकों, मीडिया और अपने अपने क्षेत्र में अन्य सभी लोगों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए एक साथ आना होगा। वहीं पवन कल्याण के इस पोस्ट पर प्रकाश राज ने अपनी भड़ास निकाली थी और उन्होंने ट्वीट किया था, डियर पवन कल्याण, ये मामला उस राज्य में हुआ है जहां आप डिप्टी सीएम हैं। प्लीज जांच कीजिए, दोषियों का पता लगाएं और कड़ी कार्रवाई करें। आप इस मुद्दे को सेंसेशनल क्यों बना रहे हैं और इसे राष्ट्र स्तर पर बड़ा क्यों बनाना चाहते हैं? केंद्र में बैठे आपके दोस्तों की कृपा से देश में पहले ही सामुदायिक तनाव है। बता दें कि प्रकाश राज कई बार अपने बयानों की वजह से बुरे फंस चुके हैं। ये भी बता दें कि पिछले साल प्रकाश राज ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को दोहराते हुए कहा था कि सनातन डेंगू बुखार की तरह है और इसे मिटाया जाना चाहिए। प्रकाश की इस सोच से साफ पता चलता है कि उन्हें क्यों पवन कल्याण के बयान से चिढ़न हो रही है।
बता दें कि फिलहाल प्रकाश राज अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश गए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि वो काम से वापस लौटकर पवन कल्याण को जवाब देंगे। वैसे जिस तरह से पवन कल्याण ने प्रकाश को सबक सिखाया है उससे सभी हैरान हैं। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।